सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फाइव इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो आपको एग्जाम में सैलरीज चैप्टर्स में देखने को मिल सकता है. सैलरीज बहुत डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, बट मैं कुछ आपको 8-10 पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, उसको आप बस करके चले जाना. सैलरी का आपको सब में 10 नंबर तो मिनिमम मिलना है, ठीक है. पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ, ठीक है. अगर मिस हो जाए तो वीडियो को दोबारा से घुमा के देख लीजिएगा. उसके साथ और आपको एक चीज़ कर लेना है, जो हमारे चैनल में लाइव सेक्शन है उसमें मैंने कॉस्ट के मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2, टैक्सेशन के मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2 दे दिया है. आप करिए उसको, आज उसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा. फिर मैं आपके साथ कल मे बी मैराथन पार्ट 3 में मिलूँ अगर आप लोगों का उसमें इंटरेस्ट अच्छे से आता है. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें सैलरीज के वो कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो करना है, लिखते जाइएगा क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं, कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको एग्जाम में 10 नंबर तो मिनिमम सैलरी में देंगे. देखिए, जो सबसे पहला एडजस्टमेंट है वो है बेसिक सैलरी. आपको बेसिक सैलरी क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है. लेकिन बेसिक सैलरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं. कभी कभी आपको नेट सैलरी दिया हुआ रहता है, नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स HR या फिर TDS ये सब दिए हुए रहते हैं. जब भी नेट सैलरी दिया रहे तो आप उसको पहले ग्रॉस सैलरी में कन्वर्ट करोगे. कन्वर्ट करने के लिए आप उन्हीं फिगर्स को वापस ऐड कर देना उसमें. इससे ज़्यादा आपको बेसिक सैलरी के एडजस्टमेंट्स में पूरे किताब में या पूरे कोई भी एडजस्टमेंट्स में आपको नहीं मिलेगा. बस ये हो गया आपका पहला एडजस्टमेंट, इसके नंबर आपको मिलेंगे. DNS अलाउंस अगेन आपको डायरेक्टली गिवन द क्वेश्चन रहता है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का दरकार नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड, जो एग्जाम आपको 100% देखने मिलेगा वो मिलेगा अलाउंसेज में. पहला तो मैंने बताया आपको DNS अलाउंस. दूसरा जो रहता है 10 में से 7-8 सम में आइदर HRA हाउस रेंट अलाउंस और चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस. किसी किसी सम में तो ये दोनों ही एक साथ दे देते हैं. तो बस आपको इसके प्रोविजन याद रख लेना है कि चिल्ड्रन अलाउंस में कितने बच्चों का आपको एग्जेम्पशन मिलता है, 2 बच्चे का मिलता है. अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि आप अपने लाइफ में सिर्फ 2 ही बच्चा पैदा कर सकते हैं. ये कम्प्लीटली आपके स्टेमिना पर डिपेंड करता है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जेम्पशन के, तो एग्जेम्पशन जो अलाउड होगा वो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन पे होगा, उससे ज़्यादा नहीं. सेम फॉर हॉस्टल अलाउंस. मूविंग फॉरवर्ड टू हाउस रेंट अलाउंस, उसमें अगेन आपको 3 पॉइंट्स के लोअर के एग्जेम्पशन देने पड़ते हैं. उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, काम खत्म. अलाउंसेज में ये 2 अलाउंसेज आप करके जाओगे तो एग्जाम में आपको नंबर मिलेगा. इस 2 नंबर 2-2 करके आपको 1-1 करके 2-2 नंबर मिल जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड टू द परक्यूजिट सेक्शन, क्योंकि देखो सैलरी का पूरा जो सम होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है. पहला उलझुल मीन्स बेसिक बोनस ग्रेचुटी लिव इन कैशमेंट, ये सारा चीज़ रहता है. उसके बाद अलाउंसेस के सेक्शन रहते हैं, उसके अंदर HRA मेडिकल अलाउंस लीव अलाउंस यूनिवर्सल जितने भी दुनिया भर के अलाउंस है DNS अलाउंस सारे के सारे अलाउंसेस उसके अंदर रहते हैं. कमिंग नाउ टू द टॉपिक परक्यूजिट्स. परक्यूजिट्स में आपको क्या क्या देखने मिलेगा ही एग्जाम में. सबसे पहला एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF. अगेन आपको पता होना चाहिए उसमें 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है. क्वेश्चन में इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या करके देते हैं, कभी कभी आपको बोलेगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF एब्सोल्यूट टर्म्स में मीन्स 10,000 रुपये महीना. कभी कभी आपको बोलेगा कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA या 15% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA. उसका कंट्रीब्यूशन जैसा क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको वैसे के वैसे ही लिख देना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लेके आने हैं. अब आपको और कैसा उसको दे सकता है, वो आपको ये भी बोल सकता है 15% ऑफ बेसिक सैलरी, बट याद रखिएगा वो जो बोले आप न्यूमरेटर में लिखोगे. लेकिन जब डिनोमिनेटर मतलब जब लेस करोगे एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, तो उसमें ऑलवेज बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस लोगे. ओके, सो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कंसिडरिंग एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू RPF. नेक्स्ट, इसी टॉपिक से रिलेटेड परक्यूजिट में और एक एंट्री रहता है इंटरेस्ट ऑन RPF. सो इंटरेस्ट ऑन RPF ऐसा है कि उसमें जो इंटरेस्ट, अगेन उसमें भी 2 कंडीशंस है. पहला, एक तो आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट का फिगर दे देता है, उसके बाद आप 9.5% एग्जेम्प्ट कर देते हो, ठीक है. दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या कर देता है इसमें, एक तो आपको दे दिया कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू मतलब इंटरेस्ट ऑन RPF परसेंटेज टर्म्स में, और आपको ये नहीं बताया अमाउंट कितना एब्सोल्यूट टर्म्स में. सपोज वो बोल दिया कि 10% इंटरेस्ट है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के फिगर के ऊपर 10% निकाल के उसका इंटरेस्ट ऑन RPF कैलकुलेट करना है. वो कैलकुलेट हो जाने के बाद लेस कर दीजिएगा 9.5%. इस बार और पिछले वाले एडजस्टमेंट में डिफरेंस क्या है,
जब आपको डायरेक्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में फिगर दे देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 10,000 एट द रेट 13%, तो आप क्या करोगे एग्जेम्पशन के वक्त 10,000 डिवाइडेड बाई 13% मल्टीप्लाइड बाई 9.5%, इससे आपका 9.5% वाला हिस्सा निकलेगा और आपको सिर्फ इतना ही लेस करना है। लेकिन जब आपको बोलेगा परसेंटेज टर्म्स में, सपोज आपको बोल दिया इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 10%, तो आप एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का 10% करोगे और डिस्काउंट देते वक्त भी डायरेक्टली आप 9.5% कर दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली बात वही आने वाला है, क्योंकि जो आपने 10% निकाला है वो आपने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का ही निकाला है। तो आप डिवाइड अगर 10 से करते हो और 9.5 से करते हो जो आंसर आएगा, और आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का 9.5% करोगे जो आंसर आएगा, इट विल रिमेन द सेम। ओके, सो ये सारे एडजस्टमेंट जो अभी मैंने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो अगला एडजस्टमेंट आता है वो है प्रोफेशनल टैक्स। अगर आपको इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो आप इसको स्लो करके आराम से देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लेना, इसको रिवाइज करना और ये एडजस्टमेंट्स को अपने कॉपी में लिख लेना, छोड़ना मत ये एग्जाम। ये बस ये 5-7 मिनट का वीडियो आपका 10 मार्क्स श्योर है सैलरीज में। अब 10 क्यों नहीं सर, फुल क्यों नहीं, बिकॉज 10 मिनट के वीडियो में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो अब बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। प्रोफेशनल टैक्स भी आपको एग्जाम में 100% देखने मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स दो प्रकार के होते हैं, पहला अगर एम्प्लॉयर पे करते हैं, दूसरा अगर एम्प्लॉय पे करते हैं। अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो एनीथिंग विच इज पेड बाय एम्प्लॉयर इज अ परक्यूजिट, फ्री में अगर देता है ऑब्वियसली, या फिर कम पैसे लेते हैं तो परक्यूजिट हो जाएगा, तो यानी परक्यूजिट में भी आएगा प्रोफेशनल टैक्स ऊपर भी। और जब हम लोग ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आता है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो अंडर सेक्शन 16(3) में आपको प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है, ये फर्क नहीं पड़ता कि एम्प्लॉयर पे किया है या फिर एम्प्लॉय पे किया है। नाउ कमिंग, इफ एम्प्लॉय पे करता है तो सर क्या होगा, तो एम्प्लॉय पे करता है तो ओनली डिडक्शन, इट इज नॉट अ परक्यूजिट, कॉमन सेंस, बिकॉज परक्यूजिट वही होता है जो एम्प्लॉयर पे करता है। सो अगेन प्रोफेशनल टैक्स को अगर समराइज करें तो अगर एम्प्लॉयर पे करेगा तो परक्यूजिट में भी आएगा, डिडक्शन में भी आएगा। एम्प्लॉय पे करता है या एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है तो फिर एम्प्लॉय का ओनली इन डिडक्शन आएगा, परक्यूजिट नहीं बनेगा। ओके, नाउ कमिंग, ये सारे पार्ट्स करने के बाद अब आरपीएफ वगैरह भी है वो आप कर लो तो अच्छी ही बात है, उसको समराइज वे में अब इतना आपको नहीं भी समझ पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको 10 नंबर फेच करा देगा इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। जब ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी हो जाए तो फिर आपको अंडर सेक्शन 16 का डिडक्शन लेना है, जिसमें 3 प्रकार का डिडक्शन होता है। पहला होता है 61A, जिसमें सिंपल थ्योरी है, आप वीडियो में साथ साथ याद कर लेना। ग्रॉस टैक्सेबल डिडक्शन कितने का मिलेगा, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी और 50,000, विच एवर इज लोअर। वहीं अगर हम बात करें तो आप लोअर क्या होगा, मैक्सिमम टाइम में 50,000 होता है, लेकिन कभी अगर मान लो आंसर में सैलरी का फिगर बहुत कम आ रहा है तो वो वाला फिगर होगा। अंडर सेक्शन 16(2) उसमें होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, बट एग्जाम एंटरटेनमेंट अलाउंस देख के एक्साइटेड मत हो जाना, क्योंकि ये एग्जाम डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आपको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिया हुआ सब में, जो कि हालांकि नहीं रहेगा एग्जाम में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय देता है तो मैक्सिमम चीज़ ऊपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, हेंस आपको वो काम नहीं करना है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) लेना है, वरना आपको नहीं लेना, उसे इग्नोर करिएगा। नाउ कमिंग टू लास्ट सेक्शन अंडर सेक्शन 16(3) जो प्रोफेशनल टैक्स मैंने आपको बताया वो आपको लेना ही लेना है। अगर आपको सम में दिखता तो माइनस करने ही मना, एक नंबर स्टेप मार्किंग मिल गया। अब 10 नंबर कैसे मिलेगा, ये सारा में हर एक में अगर आप एक एक नंबर दो दो नंबर भी स्टेप मार्किंग लेके आ जाते हो तो आपका 10 नंबर हो गया। बीच में मैक्सिमम जो भी एडजस्टमेंट आपको दिखेगा, जो भी एडजस्टमेंट दिखेगा, सारा फिगर नाम लिखना, सपोज मेडिकल अलाउंस नाम लिखना, अमाउंट लिख देना, 200 पर मंथ दिया हुआ मल्टीप्लाई करके 12 से कर देना, आपका 100% राइट हो जाएगा। एक और बता देता हूँ, मोटर कार पे ध्यान देखना। मोटर कार में क्या होता है, अगर गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी कम है, मतलब छोटा गाड़ी है 1.6 सीसी तक, तो फिर आपको 1800 रुपये महीना पर क्यूसी डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर 2400 रुपये है तो आपको क्या होगा, अगर 1.6 सीसी ज़्यादा है तो यानी आपको 2400 रुपये महीना करके टैक्सेबल होगा। तो इंटू 12 करना है आपको और लिख देना है। तो मैक्सिमम एक थ्योरी सिंपल सुन लो, सबको इंटू 12 करके लिख देना। हाँ, अगर ड्राइवर उसके साथ आ रहा है तो 900 रुपये और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा एक समरी सैलरी में जो आपको 10 मार्क्स श्योर शॉट दिला देगा। वीडियो को वापस से एक बार देख लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और मैराथन को आज ही कंप्लीट कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मैराथन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।